नमस्कार, मैं फैजल अहमद, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दार्जिलिंग का मैं सभापति हूं, और आज मैं काजल डोबा इलाके में घूमने के लिए आया हूं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह बंगाल में, खासकर उत्तर बंगाल तराई डुवर्स में जिस तरह विकास करने का वो काम कर रही हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन काजल डोबा में जैसे ये लेक है और यहाँ के जो नाविक है या जो कर्मी हैं जो बता रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, चूँकि ग्रास वगैरह बहुत ज़्यादा है। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कम से कम आप लोग थोड़ा सा ये दिखाइए, चूँकि ये सब सफाई जो है जो झील का है, जो लेक का है, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये काफ़ी जो है एक जाँच का विषय है, और हम चाहेंगे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं, जो मंत्री हैं हमारे पश्चिम बंगाल के, उनको जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए। और आने वाले समय में ये काफ़ी जो है डेवलप होगा, हमें उम्मीद है कि देखिए यहाँ के लोग जो है, जो उनकी ज़िंदगी है, आजीविका है, वो यहीं से चलती है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए दूसरे प्रदेशों से, कोलकाता से, दार्जिलिंग से, सारे लोग यहाँ आते रहते हैं। तो जो लोकल, जो ग्रामीण के लोग हैं, वो खासकर जो है लोकल सब्जी होता है वो वगैरह हमने देखा, और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हर तरह के डिस्क बनाते हैं यहाँ पे, हर तरह की मछलियाँ मैंने देखा यहाँ पे। तो हमें लगता है कि इस इलाके का जो है ठीक से जो है डेवलप किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा से हमारा अनुरोध है कि खासकर काजल डोभा जो ये लेक है, इसका जो है अच्छे ढंग से निर्माण होना चाहिए। और चूंकि जो पर्यटक आते हैं वो काफ़ी जो है वो खुश होकर यहाँ से जाते हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ की जो नाविक है, जो हमारे अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि वो नाव चला रहे हैं, तो उनका भी कहना है कि फॉरेस्ट विभाग जो है इधर ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं राज्य सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि जो ये लेक है, लेक का जो है ठीक से जो है कायाकल्प किया जाए, जो जंगल है उसे कटवाया जाए ठीक से, ताकि जो नाविक है उनको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक मिले, और यहाँ के क्षेत्र को लोगों को जो बेरोजगार बैठे हुए उनको रोजगार मिल सके, क्योंकि ये भी एक अच्छा साधन है रोजगार का। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा गरीब लोगों के लिए, खासकर जो जमीन तबके के जो लोग हैं, जो गांव स्तर के लोग हैं, उनके लिए विकास हमेशा करती रही हैं, क्योंकि वो खुद ही एक सादगी जिंदगी जीती हैं। आज भी वो हवा चप्पल में चलती है, मुख्यमंत्री रहने के बाद लोग बदल जाते हैं, एसी कमरे में रहते हैं, ठाट बाट रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ऐसी देश की प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो आज भी आज अपने निजी घर कालीघाट में वो रहती हैं, और आज भी हवाई चप्पल पहन के वो पॉलिटिक्स करती हैं और जनसेवा कर रही हैं। आने वाले समय में उम्मीद है राज्य सरकार जो है इस इलाके पर जोर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।